देश को आगे बढ़ाना है तो कौशल विकास और कुशल भारत, इस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी विचार को हकीकत में लाने का महत् प्रयास ही कौशल्य सेतु अभियान का आगाज था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एनएसडीसी की मान्यता से इस कौशल्य सेतु अभियान की शुरुआत 19 अक्टूबर 2016 में हुई। महाराष्ट्र राज्य के शिक्षा मंत्री माननीय श्री विनोद तावड़े जी के मार्गदर्शन में देश का सबसे बड़ा अभियान 10वीं के अनुत्तीर्ण छात्रों के जीवन में नई दिशा, नई उम्मीद बनकर आया। माननीय मंत्री विनोद जी का मानना था कि किसी भी नाकाम छात्र को निराश होने की जरूरत नहीं, वो भी अपने आप को साबित कर सकता है। अपने कॉलेज जाता नहीं आलो, अपने कई मित्र गेले, अपन इकडे राहिलो, अपन मागे नहीं राहिलो, अपन वेगळी वाट चोखाळली आहे। आणि ही कौशल्य विकासाची वेगळी वाट तुम्हाला मी सांगतो, अनुभवाच्या आधारे सांगतो, शिक्षण मंत्री म्हणून सांगतो, खऱ्या अर्थाने तुमच्या आयुष्याला एक वेगळी कलाटणी दे। इसी सपने को साकार करने के लिए उनके मार्गदर्शन में NYCS और यशस्वी अकादमी इस अभियान को सफल बनाने के लिए जुट गए। आज देश के लगभग 450 से ज्यादा जिलाओं में NYCS का अपना नेटवर्क है और लगभग 16,000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स है। एम्पावरमेंट ऑफ यूथ थ्रू कोऑपरेटिव देश के युवाओं को सक्षम बनाने के लिए सहकारिता एक माध्यम हो सकता है, ये हमारा इसमें उद्देश्य है। एनएसडीसी के पूरे सहयोग से और उनकी योजना के अंतर्गत NYCS और यशस्वी अकादमी ने जिला स्तर पे जिलाधिकारियों के मार्गदर्शन एवं SSC बोर्ड से उन छात्रों का डेटा हासिल किया और सभी स्कूलों के शिक्षकों के माध्यम से उन बच्चों से मिलने का प्रयत्न शुरू किया जो 10वीं कक्षा में फेल हुए थे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, इन बड़े कार्यों में मुश्किलें भी आई। छात्रों को इस अभियान से जुड़ने के अनेक प्रयास करने पड़े। कई बार परिवार के सदस्यों को छात्रों को इस अभियान के बारे में समझाना पड़ा। NYCS और यशस्वी अकादमी ने MSBTE की मदद से डिप्लोमा महाविद्यालयों से इस अभियान के लिए हाथ मिलाया ताकि उन सभी छात्रों को सही तरीके से तंत्र शिक्षा मिले। पूरे राज्य में 105 कॉलेज कोऑर्डिनेटर का ग्रुप बनाकर भेजा गया ताकि वो विद्यार्थियों को इस अभियान से जुड़ने में सहायता कर सके। 400 प्रशिक्षित अध्यापकों की मदद से 36 जिलों से शुरुआत करके पहले चरण में 3000 छात्र बड़ी मुश्किल से इस अभियान से जुड़े। NYCS और यशस्वी अकादमी को इससे प्रेरणा मिली और उन्होंने दूसरे चरण में और मेहनत कर हर गली कूचे में अलग अलग परिस्थिति में घर घर जाकर छात्रों को इस अभियान से जुड़ने के लिए मनाया। उनके परिवार को ये एहसास दिलाया कि उनके बच्चे 10वीं में नाकाम होने के बाद भी कुछ अलग, कुछ अच्छा कर सकते हैं। उन्हें अपने हुनर को तराशने का मौका मिल रहा है, इस मौके को पाने का रास्ता दिखाया। 10वीं की परीक्षा विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और दबावों से भरा पड़ाव होता है। ऐसे में विद्यार्थी अगर उस परीक्षा में नाकाम हो तो और भी कठिन स्थिति होती है। इसीलिए छात्रों को कौशल्य सेतु अभियान का महत्व समझाने के लिए कई बार पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अलग अलग विषयों पर चर्चा सत्र, आपसी मेल मिलाप, खेलकूद जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र राज्य की शासकीय यंत्रणा की तरफ से हर कदम पर आने वाली कठिनाई को सुलझाने का प्रयास किया गया। गांव से जिला स्तर, तालुका स्तर पर इन बच्चों को सही माहौल देने में शासकीय यंत्रणा ने पूरी सहायता की। आने वाले समय में इस अभियान से जुड़ने वाले छात्रों के लिए ST बस सेवा से सफर करने के लिए पास की सुविधा सरकार की तरफ से की गई है। इस अभियान से जुड़े शिक्षकों ने इन बच्चों के मनोबल को बढ़ाते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि वो भी सफल हो सकते हैं।
सभी डिप्लोमा महाविद्यालयों ने इन छात्रों को बेहतरीन सुविधाएं देकर अलग अलग माहौल से आए इन बच्चों में अपने आप को पहचानने का मौका दिया। दसवीं की नाकामी को सफलता में बदलने का ये प्रयास विद्यार्थियों ने अपने दम पर हासिल किया और अपनी मायूस जिंदगी में एक सफल करियर की पहचान पाई। कौशल्य सेतु अभियान में उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को इस साल से उन्हीं के दसवीं के दो विषयों में SSC बोर्ड की तरफ से ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसकी मदद से वो आगे 11वीं और 12वीं तथा MCVC, ITI जैसे कोर्सेज की पढ़ाई पूरी कर सके। ऐसा सुनहरा मौका पूरे देश में पहली बार महाराष्ट्र राज्य की तरफ से इस साल से शुरू हो रहा है। इस अभ्यास क्रम में पास हुए बच्चों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो उन्हें आगे चलकर देश तथा दुनिया में कहीं भी नौकरी या व्यवसाय करने में सहायता करेगा। इस कौशल्य सेतु अभियान में 13 से ज्यादा अभ्यास क्रमों का आयोजन किया गया, जिसके लिए 6 महीने की अवधि निश्चित की गई। जिला स्तर डिप्लोमा महाविद्यालय NYCS और यशस्वी अकादमी ने इन बच्चों को 80% प्रैक्टिकल और 20% आकलन के तहत इस अभ्यास क्रम का नियोजन किया, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उन उपकरणों का उपयोग हो जो उन्हें काम सिखाने में मदद कर सके। दसवीं में असफल होने के बाद शिक्षा से दूर भागने वाले बच्चे इन उपकरणों का जब इस्तेमाल करने लगे, तब जाके उनकी रुचि इस अभ्यास क्रम की तरफ बढ़ने लगी। NYCS और यशस्वी अकादमी ने पिछले 2 सालों में इस अभियान से राज्य के 36 जिलों से 22,014 विद्यार्थियों को जोड़ा, उनके 755 बैचेस बनाए। इनमें से 20,980 छात्रों ने इस अभ्यास क्रम की परीक्षा दी और 20,577 छात्रों का परिणाम आया, जिसमें अभी तक 7,291 विद्यार्थी पास हुए। साथ ही 4,222 विद्यार्थी पुनः परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे। कई विद्यार्थियों को NYCS और यशस्वी अकादमी ने नौकरी तथा व्यवसाय के लिए मदद की। 111 सेंटर्स में शिक्षित ये विद्यार्थी अपने हुनर को पहचान कर आज अपने पैरों पर खड़े होने का साहस बांध सके, तो ये सिर्फ कौशल्य सेतु अभियान की वजह से। माननीय शिक्षा मंत्री श्री विनोद जी के सपने को साकार करने का ये पहला कदम सफल हुआ है, तो इसमें NYCS और यशस्वी अकादमी, 400 शिक्षक, MSBTE, डिप्लोमा महाविद्यालय, 105 कॉलेज कोऑर्डिनेटर्स, महाराष्ट्र सरकार की यंत्रणा, NSDC, इन सभी बच्चों के परिवार और ये सभी विद्यार्थी, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। इन बच्चों ने अपने आप को साबित करके ये दिखाया कि वो भी अपनी नाकाम राह को सफलता की सीढ़ियों में बदल सकते हैं। आने वाले समय में सशक्त और सक्षम भारत के निर्माण में इस कुशल युवा पीढ़ी का खुद पर विश्वास करना और आत्मनिर्भर होना ही कौशल्य सेतु अभियान का परिमाण है। इस अभियान से जुड़े सभी विद्यार्थियों का, महाविद्यालयों का, शिक्षकों का और सभी यंत्रणाओं का अभिनंदन।